कैसे हो सर? स्वागत है कमेंट से यार, 6 महीने मस्त चली हो। तो भाई साहब, आज मेरी ट्रिप शुरू होती है चोपटा तुंगना से। पापा आ गए छोड़ने सुबह सुबह, 4:30 हो गए अब, और यहाँ से स्टार्ट दी अपनी दिल्ली की, और दिल्ली से आगे अपना सफर शुरू होगा। चलो, मैं भी पता नहीं कितनी देर बाद बैठ रहा हूँ स्टार्ट दी में, चढ़ाने बहुत बार आया हूँ, बैठा भी हूँ बहुत। रतन की सीट थी, 2 डब्बे छोड़ के वापिस आया हूँ। तीनों बच्चे बैठेंगे, तुमने देखा है शताब्दी में, शताब्दी में 3 तरह के डब्बे होते हैं। एक जो मेजोरिटी होती है वो होती है नॉर्मल एसी क्लास, फर्स्ट क्लास है, चेन क्लास बोलते हैं। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास, और एक ए से क्या था, अनुभव, उसको नाम मैं यहाँ लिख दूंगा। चलो सर, लिया पॉसिबल अनुभूति अनुभूति क्लास अनुभूति K1 डब्बा, ठीक है। एक K1 है, K1 है, तो बाकी सारे C14 मतलब 1000 रुपया बस ब्लैक कॉफी दे रहे हैं। तो सीटा अपनी सीटा बहुत बढ़िया, मैं दिखाना के लिए कितना फर्क है, 2018 ते 1100 5000 वाले क्या आप दिखाइए सारे। सीटें तैयार करने के बाद अब टाइम आ गया ब्रेकफास्ट का। सर हमारे तीनों का ब्रेकफास्ट है, क्या है, एक और केक है वेज, एक विच ऑमलेट है, दो वेज दे भाई, ये ऑमलेट है बीच बीच में। लो भाई, ट्रेन के नाश्ते से ब्रेड कटलेट से कुलचे छोले, क्या बात। लो भाई, अभी आ गए एसी वेटिंग रूम, या फिर आपको अपर क्लास वेटिंग रूम या फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, जो भी है सही है दिल्ली में। 10-10 रुपीज पर पर्सन पर आवर PNR नंबर को, और उसके बाद आपको 10 रुपए पर पर्सन पर आवर देने, और आप बाद में जितना बैठना हो उतनी बार स्टैंड कराते रहो। मैंने तो अभी थोड़ी देर के लिए भी यहीं बैठ गए, क्लॉक रूम को बहुत मंगा यार, मैं तो रहता क्लॉक रूम में सामान रखवा के फिर जाऊंगा अपना कहीं CPBP, बट क्लॉक रूम का सीन ये है कि वहां पे सामान रखवाना पहले तो एक टास्क है, क्योंकि तो 2 तरह का, एक खाली जगह पे रख सकते हो सामान कहीं हो कोई तो एरिया, एक की प्रॉपर बॉक्स में रखवाएंगे, बॉक्स में रखवाएंगे उसके 70 रुपए है, नॉर्मल रखवाओगे उसके 35 रुपए है। उसके बाद सामान का लॉक होना भी जरूरी है, तो बहुत सारे पंगे थे, मैंने कहा लॉक अलग खरीदूं फिर उसको सामान कहाँ रखवाऊं, मैंने कहा अभी के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर घंटा यहीं बैठता फिर देखते हैं कि चल जाते हैं। और वॉशरूम में भी हो गया है, वो भी ठीक है, मतलब जेंट्स के हिसाब से जेंट्स के वॉशरूम ठीक है, मैंने काफी ज्यादा गंदे एक्सपेक्ट किए थे बट ठीक है। बात ये है सारी कि 5 घंटे यहाँ रेलवे स्टेशन AC अपर क्लास लाउंज में बिताने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक और लाउंज है जिसके जो एक्चुअल में प्रीमियम है, 10 रुपए प्रति घंटे की जगह पे वो अराउंड 150 रुपीज पर आ रहा है, और खाने के 250 रुपए लग गए, और 99 ओवर एवरी आ रहा है, ठीक है जी। एंड अब हम जा रहे हैं गार्डन गैलेरिया और नोएडा, क्योंकि हमारे दोस्त जो दूसरी तरफ है वो नोएडा के ऑपोजिट साइड पे हैं, तो हम दोनों एक सेंटर पॉइंट में मॉल पे मिल रहे हैं, ताकि हम अपने बाकी के बचे हुए 4-5 घंटे सुखी बिता सकें, और उस सुखी टाइम को और सुखी बिताने के लिए मैंने कहा चल मेट्रो से चलता है, उसने कहा नहीं, उस सुखी को और सुखी करने के लिए हम कैब से जाते हैं, जबकि लोग दिल्ली में मेट्रो से जाते हैं। चलो लेट्स गो। गार्डन मॉल में बात बन नहीं रही थी, इसलिए हम फिर DLF मॉल आ गए जो नोएडा में ही है, और अब खान लगे हैं, तो घूम लेकर उनके सामान कहीं ना कहीं रखवा दिया, पता सुकून मिला है, तो आपको सारे बंदों से बाकी बंदों से मिलवा देता हूँ मैं आपको। अभी फिलहाल टोटल 5 बंदे हैं, लेकिन 5 से 4 लोग हम जा रहे हैं अपनी ट्रिप पे। आज का दिन पता नहीं कैसे निकल गया, मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या हो रहा था, काफी डिफरेंट। यहाँ पे 40 सॉकेट मिल गया, फोन चार्ज कर लिया, वॉशरूम में जरूरी काम के अलावा तो ब्रश भी कर लिया था उन्होंने, अब खा पी लिया आराम से, अब कल सुबह खाएंगे, अब ब्रश ब्रश करके थोड़ा
बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, दांतों को भी हेल्दी बना सकते हैं। चलो अब चलते हैं अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, वहां से हमारी बस है। युम्मा में सेल लगी थी 60%, मैंने कहा व्हाई नॉट बाय अ शर्ट, खरीद ली एक टी शर्ट 800 रुपए की। शर्ट टी शर्ट